देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। सीहोर से निर्दलीय चुनाव लड़ रही उषा सक्सेना को अच्छा खासा समर्थन मिलता दिख रहा है। वे क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रही हैं। वहीं जनसंपर्क के दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से मशीन पर वोट देने की मांग की है। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। मुझे एक महिला को सिलाई मशीन मतदाता चुनाव चिन्ह दिया है। मुझे मैं महिलाओं के लिए कुछ उत्थान ऐसे मेरी प्लानिंग है, क्योंकि मैं चाहती हूँ महिला आगे आए। पूरे विश्व में देखिए महिला कहाँ नहीं है, और महिला जब चूल्हा जला सकती है, एवरेज पर चढ़ सकती है, तो क्या विधानसभा नहीं चला सकती। ये एक चुनौतीपूर्ण ये संघर्ष है मेरा, और मैं इसमें खरी उतरूंगी, क्योंकि मुझे महिलाओं के बारे में सोचना है। महिलाओं की क्या दुर्दशा हो रही है, महिला किस रास्ते पे जा रही है, ये एक महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है। तो ये मुझे मैंने कहा संघर्षपूर्ण मुझे मिला है, मैं इसमें इस चुनौती में खरी उतरूंगी, और मैंने बहुत सी प्लानिंग करी है महिलाओं के लिए। जीतने के बाद मैं प्लानिंग में बताऊँगी, और सब बहनों का साथ इसी तरह रहा तो इनके लिए मैं कंधे से कंधा मिलकर आप संघर्ष करूंगी। आप महिलाओं को भी जा रही हैं, क्या बातें लेके, क्या मुद्दे लेके जा रही हैं, किसे वोट मांग रही, क्या अपील कर रही हैं? देखिए, एक महिला के नाते महिला उनको ये कहना पड़ता है, वो खुद ही कह रही हैं, वो खुद मतदाता जो मेरे महिला जो मतदाता है वो खुद कह रही हैं कि एक महिला जीतेगी तो हमें खुशी होगी, हमारा स्वाभिमान अभिमान बढ़ेगा। और जिस तरह हम महिला से आगे बढ़ के अपने मन की बात कह सकते हैं, हम अपने दुख दर्द कह सकते हैं, ऐसे पुरुष के पास नहीं कर सकते। हालांकि पुरुष मिलते भी हैं, पर वो जिस एक संकोच रहता है उनके मन में, महिला के प्रति नहीं रहता। बिल्कुल इनडायरेक्ट, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट आके महिला से मिल जाएंगे, अपनी बात कह सकेंगी, अपने दिल की बात कह सकेंगी, और मैं महिला के नाते में उनके दुख दूर करने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे बनेगा। मैं हालांकि सभी मेरे पुरुष वर्ग, भाई वर्ग, बंधु वर्ग, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, पर विशेषकर मेरी बहनें ज़्यादा लगी हुई हैं। आपको समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, 101% मिल रहा है, और जितने जोर और उत्साह के साथ महिला आ रही हैं, ये तारीफ़ काबिल है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। महिला भाजपा से वर्तमान विधायक सुदेश राय और कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह ठाकुर और निर्दलीय सन्नी महाजन, इन तीनों के बीच में तो तीनों पुरुष हैं और आप महिलाओं के कैसे चुनौती लग रही है आपको? आप ये बताइए, चुनौती चल रही है ना, और तो चुनौती कड़ी संघर्ष है ना, मैंने कहा ना, पर महिला हर क्षेत्र में खड़ी है और संघर्ष के ही के बल पे सफलता के रास्ते चुनती है और चुनेगी। झांसी वाली रानी को देखा होगा, ऐसे अपने वीरांगना बहुत सी हुई हैं अपने देश में जिन्होंने पुरुषों से सबसे संघर्ष करके विजय हासिल की है, उसी तरह मैं भी करूँगी। खबर समय जगत के लिए सीहोर से कमल पांचाल की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।